हिंदी दिवस की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। 75वां स्वाधीनता दिवस यानी कि अमृत महोत्सव, क्या हम सही मामले में अपनी मातृभाषा हिंदी को उचित स्थान दे पाए हैं? नहीं, आज तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा भी नहीं घोषित करवा पाए। राजनीतिज्ञों का दोहरा चरित्र, बड़े दुख की बात है। एक हरिशंकर परसाई एक जाने माने कवि हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलने वालों को हिंदी बोलने के लिए कहता है। बहुत ही दुर्भाग्य है। आज देश को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन आज भी हमारी हिंदी उपेक्षित है, उसको हम उचित सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। हमारे शिक्षाविद, हमारे विद्वान पीड़ित हैं, लेकिन ये राजनीतिज्ञ आज सोए हुए हैं। कोई हिंदी की बात करता है तो तूफान आ जाता है। क्या इतना भी अधिकार नहीं हमारी हिंदी को कि राष्ट्रभाषा हो सके? इसी पर बात की अयोध्या के जाने माने शिक्षाविद और विद्वान, आज आप सुनिए वो क्या कहते हैं। कोई दिवस मनाया जाता है तो सामान्यता प्रसन्नता होती है जी। माता के जन्मदिन पर, पिता के जन्मदिन पर, खुद अपने जन्मदिन पर, मित्रों के जन्मदिन पर, तो शायद ये प्रसन्नता की बात है कि हिंदी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस है आज, तो इसके लिए प्रसन्नता तो है ही। लेकिन विडम्बना ये है कि हिंदी दिवस तो मनाया जाता है उच्च शासन के स्तर पर, काम काज अंग्रेजी में होता है, हिंदी में होता नहीं। खाली दिवस मनाने से कुछ होता नहीं। अंग्रेज लोग अंग्रेजी दिवस नहीं मनाते, फ्रांस के लोग फ्रेंच दिवस नहीं, जर्मनी के लोग जर्मन दिवस नहीं। तो हम दिवस तो मनाते हैं लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करते। हिंदी के महत्व पर कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हिंदी के महत्व तो हर कोई जानता है। हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, हम लोगों की मातृभाषा भी है। उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। अब जैसे अवधी भी हिंदी ही है, ब्रजभाषा भी है, भोजपुरी भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। वो तो ये जितनी उपभाषाएं हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, वो सब बोलियां समाहित होकर के हिंदी भाषा बन जाती हैं। तो आज हिंदी दिवस है तो सबको मंगल कामना। नहीं, अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई, केवल मातृभाषा तक ही रहे। हाँ, तो यही तो विडम्बना है। हाँ, ये विषय जैसे कि कांग्रेस को ये लोग कहते हैं ना कि वो सच्चे राष्ट्रवादी नहीं थे। अब आया मेरा कवि। हाँ जी जी, तो कांग्रेस ही सच्चे राष्ट्रवादी नहीं थे। तो अब तो सारी कमान आपके हाथ में है, यूपी से लेकर के सेंटर तक। अरे तमिलनाडु को न जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब भी ले लीजिए। तो यहाँ सब तो हिंदी के लिए खुला मैदान है ही, लेकिन कोई क्या कर रहा है हिंदी के लिए? आज भी सेंटर में जो राजकाज की भाषा है वो अंग्रेजी है। बड़े शासनादेश आज भी अंग्रेजी में निकलते हैं, हिंदी में नहीं निकलते हैं। और कोई बड़ा अफसर सिर्फ हिंदी जानकार केवल हो तो बड़ा अफसर नहीं बनाया जा रहा। अंग्रेजी जानना उसके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो क्या हिंदी दिवस मनावा? हिंदी को आप कर लीजिए। अब जैसे इंग्लैंड वाले हैं, वो फ्रेंच भी सीखते हैं, फ्रेंच और इटालियन से अंग्रेजी समृद्ध होती है, लेकिन उनकी भाषा भी, शासन की भी और बोली की भी है अंग्रेजी। यहाँ यही विडम्बना है। तो भाई केवल दिवस न मनाया जाए, दिवस के साथ उसको कार्यान्वित किया जाए। सचमुच हम हिंदी को अपना लें और उसको दर्जा उसका जो है, राष्ट्रभाषा जब कहते हैं या राजभाषा, तो राजभाषा तो सचमुच है नहीं। राष्ट्रभाषा इस अर्थ में है कि यहाँ के लोग बोलते हैं,
तो लेकिन राजभाषा जैसे बड़े बड़े शासन आदेश निकलते हैं केंद्र से तो सब अंग्रेजी में होते हैं। कोई बहुत बड़ा अफसर कैबिनेट सचिव मार्का वो कभी गैर अंग्रेजी जानकार हो ही नहीं सकता, अंग्रेजी जानना अनिवार्य है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग यही कर, मांग क्या करना, हम चाहते हैं किससे मांगें और कौन हमसे कम समझदार है, क्या ये सब जो हम कह रहे हैं ये सरकारें नहीं जानती हैं। राजनीति के तो प्रचंड योद्धा हैं लेकिन भाषा पर किसका ध्यान है? कभी किसी राजनेता का भाषा पर बयान कहीं सुना? कभी कोई बयान ही नहीं आता, और तरह तरह की ऊटपटांग बातें दिन भर होती रहती हैं। तो भैया हिंदी भाषा तो आज से नहीं, अपभ्रंश के बाद 8वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का विकास होना शुरू हो गया और निरंतर बढ़ता ही रहा, क्योंकि ये जो जायसी वाली भाषा है, अवधि भाषा, सूर की ब्रज भाषा, तुलसी की अवधि भाषा और केशव की भाषा, बिहारी की भाषा ब्रज है, मतिराम भूषण, उसके बाद भारतेंदु आते हैं पहले कवि के रूप में हिंदी के, तो उन्होंने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा की उन्नति हो जाए तो सब तरह से उन्नति हो सकती है, लेकिन वो हो नहीं रही है। आज भी जहाँ थे यही साहित्यकार लो और पत्रकार लो हिंदी का प्रयोग करते हैं, वरना कहाँ होता है? आप देखते हैं डिबेट वगैरह जो आता है बहुत ऊंचे स्तर का तो अंग्रेज़ी में होने लगता है, सामान्य लोग अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते और बड़े विशिष्ट लोग बुलाया जाता है जो अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं, तो हम क्या कहें? वैसे सामान्य रूप से हिंदी दिवस है तो चलो प्रसन्नता है, जैसे अपनी माँ हो तो गरीब है उसका जन्मदिन मनाना हो तो क्या हम ये कहेंगे कि वो गरीब है इस या कि हम भी गरीब हैं तो उसका क्या जन्मदिवस? नहीं, उसका भी जन्मदिवस है, हम मामूली तौर पर मना लेंगे, खर्चा बर्चा नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, खर्चे बर्चे से क्या होता, भावना की बात है। तो हिंदी के प्रति आपकी हमारी सबकी भावना अच्छी है और हिंदी भाषी लोग बहुत संख्या के हैं, आप देख रहे हैं ना हिंदी कहाँ तक बोली जाती है, बंगाल के किनारे तक, पूरा बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, पंजाब में भी काफ़ी, कश्मीर की ओर भी, तो ये सब हिंदी ही हिंदी है। औपचारिक बना दिया गया है कि हिंदी दिवस पर हम कुछ ऐसे ही कहीं कोई पत्र उसमें प्रेस क्लब में कुछ आ जाए कार्यक्रम जी है हाँ, तो ऐसे कुछ सामान्य बातें हो जाएंगी, तो ये तो हर साल मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस है और मेरा तो यह मानना है कि देश के बहुसंख्य भागों, प्रभागों, क्षेत्रों, प्रदेशों में जो भाषा अधिकाधिक बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा है ही, और हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है, सर्वग्राह्य भाषा है, जो अन्य भाषाओं को भी आसानी से अपने में पचाए हुए है, और वे शब्द भी हमारी सभी वर्ग के लोगों को जो उन शब्दों को बोलते हैं पूरी अभिव्यक्ति प्रदान करती है, इसलिए हमारी यह भाषा हिंदी किसी के बनाने से राष्ट्रभाषा बनने की मोहताज नहीं है, और मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है और आगे भी रहेगी। जिस स्तर से, जिस तीव्रता के साथ, वेग के साथ तमाम रचनाएं, लेखन कार्य हिंदी में हो रहा है, और तमाम ऐसे विभाग हैं जहां अंग्रेजी की बहुलता थी, उनका वर्चस्व था, वहां भी अब हिंदी में कामकाज होने लगा है। इसलिए समाज इसको, हमारे राष्ट्र का बहुसंख्य वर्ग इसको अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए राष्ट्रभाषा है, और जब समाज स्वीकार करता है तो सरकार को भी इस पर
त्वरित गति से ध्यान दे करके इस भाषा को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। आप सभी को प्रणाम और हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट तो यह है कि दिवस उसका मनाया जाता है जो कमज़ोर होता है। हमारे यहाँ महिला दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है और आज हिंदी दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और बार बार शासन से भी आ रहा हिंदी दिवस मनाने की बात। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि हमें आज हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, महिला दिवस मनाना पड़ रहा है या बाल दिवस मनाना पड़ रहा है, शिक्षक दिवस मनाना पड़ रहा है? जो भारत सोने की चिड़िया होता था और एक समय था जहाँ गुरुकुल में न जाने कितने विद्याएं पढ़ाई जाती थी और उन ज्ञान के बल पर ही हमारा भारत हमेशा से विश्वगुरु बना रहा है। लेकिन आज कष्ट है इसलिए कि हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो हमें आपको मिलकर के इस भाषा को, हिंदी भाषा को, जो हमारी अपनी भाषा है, इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार करने के लिए हम सबको एक साथ मिलना ज़रूरी है। जब तक हम आप एक नहीं होंगे, हम अपने आचरण में इसे आत्मसात नहीं करेंगे। कोस कोस पे बदले पानी चार कोस पर बानी, तो बानी बदलती थी तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसे निष्कासित कर दिया जाए। उसे एक साथ बांधने के लिए होता था कि चार कोस पे दूसरी बानी हुई, तीसरी बानी हुई, तो सबकी एक माला बन जाए, एक रूपता हो जाए। और आज देखिए कि मॉरिशस की बात करते हैं, आजमगढ़ से ही जा करके जगन्नाथ जी आज वहाँ पूरा भोजपुरी का साम्राज्य है। जो भोजपुरी हमारी है वो दूसरे जगहों पर देखिए, वहाँ उसको राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत कर लिया गया और जो हमारी है उसे हम विस्मृत किए हुए हैं, इसलिए कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर जितने राज्य हैं ये राज्य एक स्वर में एक साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग करें तो वह दिन दूर नहीं जब ये अपने रूप में स्थापित हो, अपने स्थान पे स्थापित होगी। और यह तो जब स्वतंत्रता के समय ही हमें तोड़ने के लिए इसकी कूट रचना हुई थी कि तेलुगु दक्षिण को अलग कर दिया गया कि वो कैसे हिंदी जानेगा, पश्चिम को अलग कर दिया गया, पूरब को अलग कर दिया। या तो हमारा आपके माध्यम से सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि अपनी राष्ट्रभाषा को जब आप आत्मसात करेंगे, उसको प्रेम और सौहार्द से अंगीकार करेंगे, तभी यह हमारे बीच स्थापित हो पाएगी। और इसके करने के लिए पूरे समाज की आवश्यकता है। हमारे यहाँ संवादा श्रेय से परम की बात कही जाती थी, गुरु बैठ के एक दूसरे से संवाद स्थापित करता था, वह प्रेम जो है की भावना उसमें घोलता था, वह रस जब हम आप मिलकर के हिंदी के प्रति उलेलेंगे एक दूसरे के मन में, तभी हमारी हिंदी पुनः अपनी जीवंतता को स्थापित होगी। और जब तक हम हिंदी से बहिष्कृत रहेंगे समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में या राष्ट्र के रूप में, तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। जब हमारी राष्ट्रभाषा होगी तो हम में मजबूती आएगी, हमारी जड़ें मजबूत होंगी। हमको अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी उस परंपरा को, उस प्राचीनता को, संस्कृति को, परंपरा को फिर से आत्मसात करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा, और तभी यह आज की हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है वह सार्थक होगा। तो इसलिए पुनः पुनः आप लोगों को हिंदी दिवस की बधाई, इस आशा के साथ कि आप हमारी भावना को समझेंगे और अपने अंदर उसे पुनर्जीवित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी दिवस पर अपनी कल्पना, अपनी अभिलाषा, अपनी कामना अपने महाविद्यालय से प्रकट कर रही हूँ। आप राष्ट्र प्रेम की परिभाषा, विकास का साधन है भाषा, ऊंचे शिखरों पर चढ़ने की आशा, जन जन की है अभिलाषा, यदि हम खोजें राष्ट्र एकता, यदि हम खोजें राष्ट्र एकता, देगी सटीक उत्तर हिंदी भाषा, राष्ट्र धर्म की पावन वाणी, सुयश की अभिलाषा, सकल विश्व में प्यारी है
माँ के समान मातृभाषा, माँ के समान मातृभाषा। जय हिंद, जय भारत।